Thank you. Big thanks. अरे फरहत गोली बेगैरत, तू अभी तक सो रहा है? और मैंने तुझसे कहा था कि मुझे अम्मा की कब्र पे जाना है ठीक करवाने के लिए। सुबह जाकर दुकान खोल लीजिए। अब्बा मैं दुकान नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा। बने से मुझे घर से निकाल दो, मुझे दुकान पे बैठ के अपने ऊपर मिस्त्री का ठप्पा नहीं लगवाना है। अरे फरहत गोली, जाना जाके एक पाव पापे तो लिया, पापे खत्म हो गए। अरे कल ही तो मैं आधा किलो पापे लेकर आया था, एक दिन में आधा किलो पापे खत्म हो गए। तो यही खाता है चलते फिरते? मना करती हूँ तो जबान चलाता है बदतमीज कहीं का। अरे तुम्हारे बेटे ने तो क्रिकेट के पीछे जिंदगी तबाह कर दी, इसकी उम्र के लड़कों को देखो। क्या देखो मेरी उम्र के लड़कों को? क्या देखो, मोहल्ले के आधे से ज्यादा लड़के तो मोबाइल छीनने में लगे हुए, और जो बाकी रह गए वो साले लड़कियां छेड़े। उनसे तो अच्छा हूं ना मैं जो एक क्रिकेट में लगा हूं। और वैसे भी अल्लाह मेरी नीयत देख रहा है, मेरी नीयत बिल्कुल साफ है, उसका अजर मुझे वो जरूर देगा। यार सुबह ही सुबह उठा दिया, अजाब बना दी मेरी जिंदगी के ऊपर, नींद अजाब कर दी मेरी। अब बाथरूम में एक घंटा मत लगा दियो, मेरे कमरे से चाबी उठा और जाके दुकान खोल। अब्बा एक बात तुम सुन लो, ना मैं आज दुकान खोलूंगा, ना अभी और ना फिर कभी। और अगर ज्यादा टेंशन दोगे ना तो घर छोड़ के चला जाऊंगा, फिर बेटर है ना दुकान पे अकेले। अरे इतनी सख्ती मत किया करो, जवान जहान औलाद है और वैसे भी ये तो मस्त बैल है, घर छोड़कर भाग गया तो। इकलौती औलाद है हमारी, वो दो बेटियां, बेटियां तो होती पराया धन है। ये लड़कियां ही होती हैं जो आखिरी वक्त में माँ बाप के अलग में पानी टपकाती हैं, और ये लड़के लड़के बेवफा होते हैं, और इसकी जात पे तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और ये जिद्दी बैल अब नहीं जाएगा दुकान, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मैं ही जाके मरता हूं। अब अम्मा की कब्र किसी और दिन ठीक कराऊंगा। खाना तुम जाके दाजी को उतार दो, अब अम्मा जी को उतारेगा। जी भी बचे तुम्हारे बीबी ने सारे रास्ते में जान जान कर हमको धक्के मारे गाड़ी में। अम्मा जी कुछ खुदा का खौफ करो, मरना है देखो इस बदबख्त औरत को, इसको हर वक्त हमारा मौत का बात याद रहता है। हमारा उम्र ही क्या है, तुम्हारे दाजी से पूरे 17 बरस छोटे है हम। अम्मा जी नया मोहल्ला है, नया घर है, कोई प्यार मोहब्बत से शुरुआत करे। माहौल बड़ा खुशगवार है, माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यार मोहब्बत से, जिस दिन प्यार मोहब्बत से शुरुआत होगा ना उस दिन कयामत का दिन होगा, कयामत का मोहब्बत का। या अल्लाह इस पूरी दुनिया का सबसे बदतमीज औरत हमारी किस्मत में लिखना था। अम्मा जी क्या हिंदुस्तानी ड्रामों की तरह सास बहू का झगड़ा तुम लोगों ने शुरू कर दिया। अम्मा जी आप हमको हाथ दे दो, हम तुमको नीचे उतार दे। लरिशा ये तुम क्या बोलती है, जोर से बोलो। मैं बोला कि अम्मा जी को उतारो फिर हम भी उतरता है ना। यार आखो आज देखो बच्चे, हमको गिराना नहीं है, अच्छा अपने बीबी की बातों में मत आना। दाजी को संभालो, क्या देखता है इधर उधर। ये लख दाजी को संभालो। ये लख
خانہ خراب کو دے دا خودی خودی رہو غرزے چ خپے مات شی پیسے ہم دیتے ہیں بعد میں آ کر چاہو گے ہو جاؤ ماحول بڑا خوشگوار ہے ماشاء اللہ تازی گر نہ جاؤ ماحول کو چھوڑ دو آ جاؤ پیارے کا ضروری کام سے جانا ہے یار ہاں سمجھ رہا ہوں بابو سمجھ رہا ہوں کہاں جانا ہے تجھے وہ اما میں نا فالتا کے گھر میلاد میں جا رہی ہوں اتنے شوخ رنگ کی گہرے رنگ کی لپسٹک لگا کے میلاد میں جا رہی ہوں گوگلی محلہ شاباش شاباش کرا تو کرا ارے کپور ٹپنگ صحیح سے کر لیا چل چل ابھی کیا ہو گیا فیتے ٹھیک کر رہا ہوں یار فیتے نہیں بن گئے میں نے یار بہت ٹائم لگاتا ہے تو یار ہاں کرا کرا پچھلی دفعہ بھی تو نے بال چھوڑی تھی شاباش کرا دلی آگے نکال تھوڑا سا اس طرف سے نکل اس طرف سے وہ کور کر پورا علاقہ پیچھے کا کفور ابے پیچھے ہو جا تھوڑا سا پھر بال چھوڑے گا چوکا ہو جائے گا پیچھے کا پیچھے ہو تھوڑا سا اوکے چلو ریڈی ہو سارے آؤ پیچھے چل چل ابے اب کیا ہو گیا ابے تو پھر ابھی ملا کے سارے لونڈیوں کے طرح نخرے کر رہے ابے میں باہر بھی سیٹ نہیں کروں کیا ابے ماڈرن کرنے آیا کرکٹ کھیلنے آیا کبھی فیتے باندھ رہے کبھی پالے ہاتھ میں باہر آ رہا تھا یار کیا ہو گیا تم لوگ کو کھیلا نہیں کبھی تم لوگوں نے اس سے پہلے کیا پڑا اور کھیل چل چلو پیچھے پیچھے فاروق تھوڑا آ گیا تو اس طرف سے آ گیا چل فاروق تیلی ابے یہ سالا کرکٹ کا کھیلتا ہے یہ تو کیکڑوں کی طرح کیٹ واک کرتا ہے وہ ہلو کرکٹ میں اسٹائل نہ ہونا یہ لڑکیاں جو ہے نا یہ فین نہیں ہوتی سمجھے لوگوں کیا پتا یار میری کرکٹ تو بہت آگے کی کرکٹ ہے بہت آگے کی کرکٹ یہ جو شاہد آفریدی اور احمد شہزاد جو بندے ہیں نا ان کو کرکٹ میں رکھا اسی لیے ابے تو سالے وہ ٹیسٹ ہے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہیں وہ اور تو یہاں پہ کون سی کرکٹ کھیل رہا گلی محلوں میں کس کو دکھائے گا اپنا سٹائل یہ دیواریں یہ کچرا دیکھے گا تجھے یہ جو ٹیلنٹ ہے نا ٹیلنٹ یہی پاکستانی کرکٹ ٹیم میں جائے گا دیکھ لیو ابے یار رینچو لین میں کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اپنا وہ سراج کہا ہے نا وہی کرا رہا ہے نہیں یار فی ٹیم 6,000 روپے لے رہے ہیں اور جیتنے والی ٹیم کو نئی 150 ملے گی اور وہ ہے نا اپنا درگاہی ہوٹل والا وہی تو اسپانسر کرا رہا ہے پورا ٹورنامنٹ ابے یار وہ بہت ٹھوک بجا کے ٹیم کو لیتے ہیں یار ابے تو ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے یار بھائی فکر مت کر جان ہو جائے گا ابے جب تک تیرے جیسے پھسڈی لڑکے نا ہماری ٹیم میں کہیں لے ہی نہ لے وہ ہمیں ٹورنامنٹ میں اوہ ہلو دیکھ لینا بیٹا یہ لڑکا جا بھی جائے گا نا وہاں کی لڑکیاں دیوانی ہو جائیں گی دیوانی سمجھا اگر نہیں ہوئی نا تو میرا نام بدل دینا تیرے دیوالے پن کی تو اب بات سنو یہ ٹیم جو ہے نا ایک بالر کے اوپر کبھی نہیں چلتی کم سے کم دو نسلی فاسٹ بالر شامل کرنے پڑیں گے ہم لوگ کو ٹیم میں ارے مجھے بھی ریسٹ چاہیے ہوتا ہے یار ابھی پرسوں جس میں لاسٹ بال میں نے اسکاؤٹ نہیں کیا تھا آصف لمبو کو ابھی پورے سیدھے ہاتھ کا مسل مسئلہ بن گیا تھا گھر جا کے وہ تو اما سے مالش کرائی ہے تب جا کے سکون ملا ابے یار اسپنر تو میں بھی اچھا ہوں یار تجھے یاد نہیں وہ ماڈل کالونی والا میچ ایک اوور میں 3 وکٹیں لی تھی ایسی گوگلی پھینکی تھی تیرے بھائی نے غفور موٹے کس زمانے کی بات کرتا ہے دل جلانے کی بات کرتا ہے تو یاد کر
उस वक्त तू 55 किलो का था और अभी तूने अपना पेट देखा है, साले 155 किलो का है। अबे यार गली मोहल्ले की क्रिकेट में ना सबसे बड़ी खुदाजी ये है कि अच्छे टूर्नामेंट्स खेलने के लिए कोई प्रैक्टिस भी नहीं करने देता। अभी खेलना शुरू करो तो हर किसी को तकलीफ हो जाती है, और अगर नोशाबा आप आके बॉल चली जाए तो दो टुकड़े में आती है वापस। हाँ ये तो है। यार एक जरूरी काम से जाना है यार। हाँ समझ रहा हूँ बाबू, समझ रहा हूँ। कहाँ जाना है तुझे? क्या अम्मा को डॉक्टर के लेके जाना है, साथ चल ले, चल आ जा। बाबा रहन दे रहन दे, सारी रिपोर्टें पता चल जाती है हमें भी। जा निकल चल, बात करता है चल। पता है बेटा कहाँ जा रहा है तू? अच्छी तरह पता है। अबे टीम कुछ नहीं उखाड़ सकती, अगर आसिफ लंबू जैसे एक दो प्लेयर और है ना तो। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है तू कपूर मोटे। लेकिन भाइयों इस टीम के कप्तान की हैसियत से मेरी भी जिद है कि इस साल के वर्ल्ड कप के साथ साथ इस टूर्नामेंट में हमारी टीम भी सबके छक्के छुड़ा देगी, देख लेना तुम लोग। छक्के या छक्का भाई जान? सेटे सेटे। देख यार इसकी बातें कड़े कड़करा बाजी। वो अम्मा मैं ना फौजिया के घर मिलाद में जा रही हूँ। इतने शोख रंग की गहरे रंग की लिपस्टिक लगा के मिलाद में जा रही है? तो मिलाद में कौन सा औरतें शादी आती है? नमाज तो एक वक्त की पढ़ती है नहीं बीवी, पहले नमाजों की पाबंदी करो, समझी? पढ़ लूंगी पढ़ लूंगी, वैसे भी अब मेरे इम्तिहान करीब है। हिस्सा जरूर लेती आई हो मेरे लिए, जरा फोन लगा के पूछ बिरयानी पका रही है या कौरमा शीर माल मंगवा रही है। इतनी ना दीदी क्यों हो अम्मा, जो भी होगा मैं ले आऊंगी। जरा देर को रुक जाती तो वो गफूर आ रहा था, वो छोड़ देता तुम्हें। वो मोटा सिर्फ हमारा गर्दी करने के लिए, मुझे इसके साथ जाने का कोई शौक नहीं, मैं जा रही हूँ। आसिफ बेटा मुझे स्कूटर पे डॉक्टर के ले चल, सुबह से ऐसा लग रहा है जैसे जिस्म में जान ही नहीं है। वो अम्मा अम्मी वो दोस्त के वाले साहब सीढ़ियों से गिर गए, बेचारे रास्ते में थे कि वहीं जा रहा हूं पुरसे के लिए। हाय हाय अल्लाह मगफिरत करे, जन्नत और फिरदौस में जगह दे, तमाम खताएं बख्श दे, आमीन। नहीं नहीं बड़े शरीफ इंसान थे वो, ज्यादा मगफिरत की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें। अच्छा पुरसा दे आओ तो मुझे डॉक्टर के लिए चलना जरूर। आप फिक्र क्यों करती हैं अम्मी, एक नहीं दो दो डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा आपको। ए आसिफ पुरसे के लिहाज से तुम्हारे कपड़े ज्यादा छिछोरे नहीं? सारे कपड़े मैले पड़े हुए थे, नुमादे जनाजे में भी जाना था मुझे, जो कपड़े साफ देखे वही पहन लिए मैंने। और वैसे भी अम्मा गम इंसान के रवैये से जाहिर होता है, कपड़ों से नहीं। अब देखो ना सूटी की माँ ने कैसी कमीनगी की, सुबह वो स्कूल के लिए निकल रहे थे, जानबूझकर गंदा कचरा उन पर फेंक दिया। अम्मी एक तो मेरा बाप भी ना शादी से एक रात पहले से छोड़ के भाग गया, अब आकर गया भी कहां?
हैदराबाद तुमसे शादी रचानी, वो बिचारी ठुकराई हुई औरत फूल तो निशावर करेगी नहीं, उनपे कचरा ही फेंकेगी ना। खैर मैं जा रहा हूं, मेरा दोस्त वेट कर रहा होगा मेरा। अरे रुक तो जरा, तेरा क्यों इंतजार कर रहे होंगे इतनी बेसब्री से? वो नमाज जनाजा तुमने पढ़ानी है क्या? मेरा दोस्त अकेला है वहां पर। कौन सा दोस्त है, क्या नाम है उसका? इनी इनी इंक्वायरियों की वजह से ना अब्बा तुमसे बजन होके बैठे हुए हैं। खैर मैं जा रहा हूं, आके बात करूंगा मैं। अच्छा है, अच्छा है, खावरी अच्छा है। इतना छोटा सा घर है, इसमें हम जानवर किधर बांधेगा? अनेक बाखे तो तुम्हारा कौन सा भैया और बाप आ रहा है जिसको तुमने बाहर बांधना है? देखो देखो खबरदार, जो मेरे बाप भाई की बात की तो। तो तुम्हारा बाप कौन सा नेक बंदा था? पूरा गांव जानता है कि तुम्हारे बाप ने अंग्रेज अफसर का 3 बैंक से चुराया था। फिर तुम्हारे बाप को बड़े इज्जत से गद्दे पे बिठाया, बड़े इज्जत से उसका मुंह काला किया, पूरे गांव में उसको पेराया। वही वही नो मुझे बड़े लोगों ने मना किया, कहने एक बाख्ता किस घर में शादी कर रहे हो, लेकिन मैंने नहीं माना। देखो अगर तुमने इस नए माले में मेरे बाप का कहानी किसी को सुनाया ना, तो खुदा का कसम इस उम्र में भी तुझसे तलाक ले लेगा। हाँ तो अच्छा है ना, हमारा जान छोड़ो। वैसे भी आजकल हम जैसे बुढ़ा लोगों का बड़ा दिमाग है, टीवी पे देखो ना, हम जैसा बुढ़ा छोटी छोटी लड़की के साथ शादी बनाता। वैसे भी आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। मगर गद्दा जरूर बुढ़ा हो जाता है। हाँ तो गद्दा तो बुढ़ा हो जाता है, वैसे ये गद्दा किसको कहा? अकलमंद इशारा पूरा था, हम तो एक ना नूर चाहते हुए। दुख हुआ कहीं मंजे वहां गद्दे को कहा होगा, गद्दे को। खैर रख ले। लेकिन तू क्या बोलकर आई अपने घर पर? मैंने तो अम्मा से झूठ बोला कि मिलाद में जा रही हूँ। हैं, मैं तो अपने घर बोलकर आया हूँ कि मैयत में जा रहा हूँ। सीरियसली बड़ा मजा आता है, सिटी बहुत याद आती है। छोड़ो मेरा हाथ, किसी चुल्ले बुल्ले ने देख लिया ना फिजूल में 1500 का फटका पड़ जाएगा। और वही 500 तुम मुझे दे देना, देखो ना मेरे कपड़े कितने पुराने हो गए, मैं नया जोड़ा बनवा लूंगी। 500 तो उससे बढ़कर है क्या स्वीटी? मुझसे बढ़कर ही, जब भी तो जान निकल रही तुम्हारी खर्च करने में। मैंने तो सोच लिया है अपने बड़ी संजीदगी से क्रिकेट खेलूंगा, क्लब क्रिकेट से डायरेक्ट फर्स्ट क्लास से सीधा टेस्ट मैच खेलूंगा, देख लेना सेटी। अच्छा लेकिन गफ्फोर मोटा तो बता रहा था कि तेरा गेम बिल्कुल थर्ड क्लास है, तुझे खेलना वेलना नहीं आता, बस स्टाइल ही स्टाइल है। अंडा बेटा अंडा है आसिफ लंबू। कौन वो गफ्फोर मोटा? वो तो जलता है मुझसे, पूरी क्रिकेट टीम में सबसे ज्यादा खूबसूरत का मैं हूँ। तो बताए सूटी, खूबसूरत क्रिकेटर को टीवी स्टार वाले लाखों रुपए देते हैं, लाखों रुपए। अपना भी दिन आएगा, जरूर आएगा, देख लेना इंशाल्लाह। हाय हाय, ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, बल्कि नहीं अपने कंपाउंड के लिए आज से तो एक टाइट सा मुहावरा है जहन में, बताऊं? बताओ। ना नॉर्मल तेल होगा ना चंपा नाचेगी, दे ताली। पूरे कंपाउंड वाले जानते हैं कि उसका आसिफ लंबू के साथ चक्कर चल रहा है। और तू कितना तरक्की पसंद है भाई कि तू उसी लड़के के साथ क्रिकेट खेल रहा है? अम्मा मजबूरी में तो हराम भी हलाल ही हो जाता है ना। अरे मैं सब जानता हूँ तुम जैसी औरतों की चिलत्तर बाजियां। समझती हो उस मोटे मुंह वाली सांप का मंगेतर का बदला मुझ पर निकाल रहे हो? गुगली मोहल्ला।
भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। जादू है जादू है तेरी नजरों में, पत्थर का दिल पिघल जाएगा। तो क्या सुड्डी हो गए चंपा रानी? आए नहीं नहीं क्या पका रही? अबे यार मूंग की दाल अभी परसों ही तो बनाई थी। मूंग की दाल भी मिल रही है ना, तो गनीमत समझो। तू तो कुछ करता है नहीं, तेरे अब्बा की दुकान का पैसा ना आता तो हम तो फुटपाथ पर आ जाते। भाई अब मैं चपड़ासी की नौकरी तो करूंगा नहीं, कम से कम नौकरी अच्छी हो, साफ सुथरी हो, तो फिर बंदा सोचे भी। तबाह बर्बाद कर लिया तूने खुद को इस क्रिकेट के चक्कर में। अरे गली मोहल्ले से भी कोई टीम में आया है? लो ये सारे के सारे आए ही गली मोहल्ले के क्रिकेट से। जब तक लोगों के घरों के शीशे नहीं तोड़े, उनकी गालियां नहीं सुनी, तब तक इस मुकाम पे पहुंचे ही नहीं। और वैसे भी क्रिकेट तो है ही अवामी लोगों का खेल। अब क्रिकेट खेलने के साथ साथ अच्छी अंग्रेजी भी आनी चाहिए। सोच कैसा लगेगा कि तू किसी गोरे कमेंटेटर के बराबर खड़ा होगा, वो तुझसे सवाल पूछ रहा होगा और जवाबन तू गूंगे भैरों की जबान बोल रहा होगा। अम्मा यार अंग्रेजी भी आई जाती है भाई, पश्तो से मुश्किल थोड़ी है। जब लोग पश्तो फराटे से बोल लेते तो अंग्रेजी में कौन से हाथी घोड़े लग जाएंगे। पश्तो से याद आया, वो पठान फैमिली शिफ्ट हुई है, वो कादरी साहब नहीं उनके घर में। अम्मा मैं तो कहता हूँ उनसे दोस्ती गाड़ लो, पठान लोग तो वैसे बड़े मेहमान नवाज होते हैं। इससे पहले के कंपाउंड वाले चिमट जाना और उन शीशे में उतार लो उनको। जाऊंगी दुआ सलाम को। अम्मा अम्मा भैया अकेली मूंग की दाल हजम नहीं होती। गवार की फली भी बनाई है साथ में। सारा दिन बावची खाने में सड़ते रहो, अब घर में जवान जहान लड़की है, मजाल है ये सूटी हिल के काम भी करे। मैं तो ये सोच सोच के परेशान होती हूँ कि शादी के बाद इसका क्या होगा। और हाँ अम्मा जरा नजर रखो उस पे, पूरे कंपाउंड वाले जानते हैं कि उसका आसिफ लंबू के साथ चक्कर चल रहा है। और तू कितना तरक्की पसंद है भाई कि तू उसी लड़के के साथ क्रिकेट खेल रहा है। अम्मा मजबूरी में तो हराम भी हलाल ही हो जाता है ना, वैसे भी एक ही टूटी फूटी तो टीम है पूरा कंपाउंड की। अरे मेरी तो ये बद्दुआ है कि जिसके बाप ने मेरा दिल दुखाया है उसकी औलाद नेस्तो नाबूद हो, और उस सूटी का तो मैं सर मूंड दूंगी। उसने अगर आसिफ लंबू का ख्याल दिल में भी पाला हो तो। अम्मा एक तो तुम बात बे बात ना आरिफ लोहार की तरह चिमटा उठा लिया करो फौरन। जा रहा हूं। अबे खेलो 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 खेलो, बॉल करा बॉल करा। हसाय खाला। अरे फरहत गोली, मेरे बच्चे मेरी जान, तुझसे काम था। क्या बात है खाला, इतनी पीली पीली क्यों हो रही हो? उए हो याद आया, आसिफ लंबू बता रहा था आपकी तबीयत बहुत नासाज है, तो वो तो आपको हॉस्पिटल लेके जा रहा था ना डॉक्टर के पास, क्या हुआ गए नहीं आप लोग? ये क्या कर गया, वो झूठा लपाट गया? हाँ कसम खुदा की यही तो बोल के गया मुझे। कब से गया हुआ दोस्त के अब्बा के जनाजे पे, अब तक ना लौटा। सेटे सेटे। क्या कौन से दोस्त के अब्बा का जनाजा? वो बेले भाई हद हो गई यार, बताओ बीमार मां को घर पे छोड़ के गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे निकल गया लंबू। डैड गर्लफ्रेंड, ये वही नाहिद की लड़की ना, स्वीटी स्वीटी। हाँ वही तो है स्वीटी स्वीटी, आजकल तो वही है ना मार्केट में। बाकी आगे पीछे के लफड़ों का मुझे नहीं पता, बगैर देखे मैं कोई बात नहीं बोलूंगा। देख फरहत गोली, ये आसिफ के अब्बा है ना, वो महकमे तालीम की मीटिंग में गए हैं, देर से आएंगे। वो मेरी कैफियत बता के राशिद मेडिकल स्टोर वाले से कोई दवा ला दे बेटा। हालात टेंशन लेने की कोई बात नहीं है यार, मैं हूँ ना फरहत गोली, आपका बेटा ही हूँ मैं,
बस मैं ले आता हूँ दो तीन अच्छी सी दवाइयाँ अपने हिसाब से देख के ले आता हूँ आपके लिए, टेंशन लेने की बात नहीं, अभी गया अभी आया। जीता रहे बेटा, जल्दी आइयो। डैड गर्लफ्रेंड सियानास। क्या देख रहा है? क्या ले आया यार तू हमें? शाहिद खान, ये शाहिद खान का लश एक्टिंग है इस पिक्चर में और सोबिया खान का डांस। और हमको नहीं देखना शाहिद खान का फिल्म यार, चार दिन से क्रिकेट नहीं खेला, दिल बहुत उदास है यार। जाहिद खान? वो जाहिद खान नहीं यार, जाहिद अफरीदी। कितनी बार बोला है यार, तुम्हारा नया मोहल्ला में सारा लड़का उर्दू बोलने वाला है, तुम कैसे उनका क्रिकेट में शामिल होगा? पुराना मोहल्ला आएगा क्रिकेट खेलने? वो यार ये उर्दू पश्तो बोलने वाला क्या होता है? वो जालिम 65 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, वल्ला तुम्हारे अलावा किसी ने बात किया होता ना सर फोड़ देता। हम मिलेगा यहाँ का लड़कों से और उनको हम जैसा फास्ट बॉलर मिलेगा ना, खुशकिस्मती है उनका। और यार मेरे कहने से फिल्म देख ले, सूबिया खान बड़ा कातिल हीरोइन आया इसमें। क्यों? कातिल का फिल्म देख के हम जेल जाएगा? यार हम क्रिकेट खेलने जा रहा है, जाके अकेले ही अकेला बॉलिंग करेगा। तुम देखो अपना ये फिल्म यार, खुदे पैमान। बखेर रगले। ओए 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 ओए। इतनी मिर्चे हैं? ऐसे एक बात बताऊं? तुम्हारी अम्मा के दिल में बड़ी नफरत है मेरे लिए, तो मुझे ऐसे घूरती ऐसे कच्चा चिबा देंगी। देखो आसिफ लंबू, मेरी अम्मा की नफरत की खालिस वजह है, तुम्हारे बाप का मैलबन तो चेक करो, शादी से पूरे एक दिन पहले हैदराबाद भाग गए थे। वो तो शुक्र है कि वहाँ मेरे अब्बा थे, वरना मेरी अम्मा ने तो गम के मारे खुदकुशी कर ली होती। अब ऐसे भी बुरा मत मानना, ये बेवफाई करना तुम्हारा खानदानी खेल है, तुम्हारे चचा मामू ताया उनके औलादे उनमें से किसी ना किसी के साथ बेवफाई की है, इसलिए मुझे तो बड़ा डर लग रहा था कि कहीं तुम भी। दा की कसम, मैं अपने खानदान के मर्दों से बिल्कुल अलग हूँ। ये तुम इतने मशकूक नजरों से क्यों देख रही हो मुझे? मेरा मतलब है कि मैं उन जैसा नहीं हूँ, मैं मोहब्बत निभाना जानता हूँ। सोचेंगे देखेंगे। अच्छा आसिफ लंबू, आइसक्रीम खाऊंगी, खिलाओगे? यार सिर्फ 100 रुपए लेकर आया था, वो भी खत्म हो गए। तुम्हें पता है मुझे नफरत है कंगले आशिकों से। ओहो, तुम्हारा वास्ता जैसे बड़ा पड़ता है कंगालों से, और वैसे तो बड़ी नई परवीन बनती है मेरे सामने। ओह बकवास बंद करो, मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगी। और वैसे भी अपने बाप की कमाई पे कब तक ऐश करोगे, खा खा के सांडी तोड़ रहे हो। जाओ जाके हाथ पांव मारो, पैसे कमाओ। ये लेक्चर तो मेरी माँ को मुझे देना चाहिए था, तुम किस खुशी में दे रही हो? खबरदार अगर आईना तुमने मुझे मिस कॉल मार के छत पे बुलाया तो गफूर मोटे से ऐसी कुट लगवाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम, मेरे भाई के एक हाथ के भी नहीं हो। मुझे सांड कह रही हो ना, अपने भाई को देखा है? पूरे महल्ले में खुला सांड है वो, खुला सांड। बात करती हो फौजिया, ये मगरिब के वक्त सोने वाली औरतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अल्लाह बख्शे अम्मा मरूमा कहा करती थी कि जो औरतें मगरिब के वक्त सोती हैं अल्लाह ताला उनके रिस्क में कमी करता है, उस घर में कभी बरकत ही नहीं होती है। अब तुम मुझे देख लो, मैं हेडमास्टर हूं, अच्छी भली तनख्वाह है, लेकिन कहां जाती है कुछ पता ही नहीं चलता, गुजारा ही नहीं हो रहा, बरकत ही नहीं हो रही। चलो मैं सोच लेता कि अगर तुम मुझे ज्यादा बच्चे दे देती कि चलो भाई बच्चों में पैसा जा रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं, एक ही सपूत और महीने के आखिर में तुम हाथ झाड़ के खड़ी हो जाती हो। क्या है, बाप ने कुत्ते ने काट दिया जो बोले चले जा रहे हो, बोले चले जा रहे हो? पता नहीं है मैं 102 बुखार में पड़ी नहीं हूं। ओहो,
वाह क्या कहने भाई, 102 बुखार में पड़ी हुई। एक तो तुम्हें पूरी जिंदगी अपनी बीमारियों की पब्लिसिटी करने का शौक रहा, वो मेरा दोस्त है ना, क्या नाम उसका, वो कुद्दूसी बेग, माहिर नफ्सियात, उसने मुझे हल्फिया कहा है कि ऐसी औरतें हैं जो अपने शौहरों को अपनी मुख्तलिफ बीमारियां बताकर लुत्फंदोज होती हैं, मजा लेती हैं, इंजॉय करती हैं। कभी कहती हैं अरकुलनिसा हो गया, कभी कहती है पट्ठा चढ़ गया, कभी कहती है कि टांग की रगें सूख गई, कभी कहती है उल्टी आ गई, मथली हो गई, सर में दर्द हो गया, बुखार हो गया। अरे मैं सब जानता हूं तुम जैसी औरतों की चिलत्तरबाजियां। अरे उसने तुम पर कचरा क्या फेंक दिया, तुम अपनी उस मोटे मुंह वाली साबका मंगेतर का बदला मुझ पर निकाल रहे हो। देखो फौजिया, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, उसे मेरी साबका मंगेतर मत कहना। तो कर लो उससे शादी, छोड़ दो मेरी जान, अब क्या अड़चन है। आज से 10-12 वर्ष पहले अपने शौहर को तो उसने ऊपर पहुंचा ही दिया। तुम्हारे लिए तो ऐसी औरतें ठीक है, हम जैसी मासूम नहीं जो तुम्हारी बकवास सुन सुन कर भी जब भी यहीं टिकी रहे। वाह 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 वाह, 102 बुखार में 150 किलोमीटर की स्पीड से ये जो कैंची की तरह जबान चल रही है ना, सुभान अल्लाह। लड़ा कहां है तुम्हारा? कहकर तो गया था कि दोस्त के बाप के पुरसे के लिए जा रहा हूं, लेकिन फरहत गोली ने मुझे बताया कि तुम्हारी साबका मंगेतर की बेटी के साथ गुलछर्रे उड़ाता फिर रहा था। हबीस की औलाद। भाईजान सेटे सेटे, आंखें क्या दिखा रहे हो? साबका मंगेतर को साबका मंगेतर ना कहूं तो क्या तुम्हारी मनकोहा कहूं? सारा दिन गधों की तरह काम करूं और जब घर आऊं तो ये माहौल, लानत है लानत है। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गवार। ये बठानी बचाओ, बनके मेरा परवाना आएगा कब्र खाना, कह दूंगी दिलबर जाना बखेरा। अबे ये कौन नई फैमिली आ गई अपने कंपाउंड में? वही घर के कढ़ाई तो ये चपले कबाब टाइट होंगे नहीं। ये इंतकामन मोहब्बत कैसे होती है बहन? इंतकामी मोहब्बत में सिर्फ वसूल किया जाता है, खाया चटा जाता है, अपनी तारीफें करवाई जाती है और आखिर में ठेंगा दिखा दिया जाता है। उगली मोहल्ला।